सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद एमजेड चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को क्रिकेट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का आगाज होने वाला है और ऐसे में मुल्तान की टीम जिसे अली खान तरीन ने जो है वो ख़रीदा है, उन्होंने अपनी टीम के लिए दो नए नाम फाइनल कर लिए हैं जिसकी तफसील देंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम के मालिक अली खान तरीन ने टीम को नई पहचान देने के लिए हतमी चार नाम सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रख दिए हैं। अली खान तरीन ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि हमने आपकी जानिब से तजवीज़ करदा चार नाम फाइनल कर लिए हैं, जिनमें मुल्तान जनूबीज, मुल्तान बहादुरस, मुल्तान मलंग्स और मुल्तान सेंट्स शामिल हैं। अब तक 14,000 से ज़ायद अफराद ने अली खान तरीन के दिए गए नामों पर अपने अपने वोट डाले हैं और इस वक्त मुल्तान बहादुरस और मुल्तान मलंग्स के नाम पर 32-32% वोट मिले हैं, जबकि मुल्तान सेंट्स को 28% और मुल्तान जनूबीज को महज 8% वोट मिले हैं। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम खरीदने वाले जहांगीर खान तरीन के साहिबजादे अली खान तरीन ने अपनी टीम के लिए शायकीन से नाम मांगे थे। ट्विटर पर एक पैगाम में अली खान तरीन ने कहा कि शायकीन ऐसा नाम तजवीज़ करें जो कि जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करता हो। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने टीम के नाम के साथ मुल्तान सुल्तान जो है वो मुल्तान बरकरार रखना है, ताहम हम सुल्तान वाले नाम में से तब्दीली करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट के शायकीन अपनी तजावीज़ भेजें, जिसकी तजावीज़ हम कबूल करेंगे उसे अपने साथ मैच देखने की भी दावत दी जाएगी और मैं इसके साथ एक बड़ी जप्फी भी डालूंगा। इसके ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शायकीन ने मुल्तान की टीम के लिए मुख्तलिफ नाम तजवीज़ करने शुरू कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, मुल्तान बहादुरस या मुल्तान मलंग्स, इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को जो है वो तजवीज़ किया जाएगा और आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि इन दोनों नामों में से कौन सा नाम जो है वो अच्छा रहेगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।